राजू और अरविंद सलामी बल्लेबाज के रूप में जाते हुए एवेंजर्स के बैट्समैन राजू स्ट्राइक में, अरविंद नॉन स्ट्राइक। बॉलर सुशांत। गेंदबाज आए हैं सुशांत, पहली बार सामना करेंगे राजू। सुशांत की गेंदों का राइट आर्म ओवर द विकेट, 8 से 10 कदमों का इनका रन अप। धीरे धीरे दर्शक आएंगे ग्राउंड पर। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, कोई रन नहीं मिल पाएगा। अच्छा शॉट खेल दिया इसे विकेट की तरफ फील्डर, जब तक आते एक और यहां पर मिसफील्ड, गेंद गई इसी बार रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट, सेफ शॉट खेला यहां पर राजू ने, 4 रन प्राप्त करते हुए टीम का भी यहां पर खाता खुलता हुआ 4 रन के साथ। अच्छी बॉल थी, उतना ही अच्छा डिफेंस यहां पर राजू के द्वारा। सुशांत पहला ओवर लेकर आए हैं स्पार्टन्स टीम की ओर से, निकलकर मारने का प्रयास था परंतु छोड़ दिया वहां पर राजू ने, और एक और डॉट बॉल यहां पर 4 रन टीम का स्कोर। पहले ओवर का खेल चलता हुआ अच्छी बॉल थी यहां पर अंदर आई थोड़ी सी। खेल दिया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद, दौड़कर एक रन आसानी से पूरा कर लिया। तो यहां पर एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एवेंजर्स टीम का स्कोर
बॉलर जैद। तो अगले गेंदबाज जैद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइकिंग से। सामना करेंगे राजू। निकल कर खेलने का प्रयास था यहाँ पर, परंतु टच संपर्क नहीं हुआ। डॉट बॉल यहाँ पर आती हुई। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। 5 रन टीम का स्कोर, एवेंजर्स टीम का स्कोर। 8-8 ओवरों का मुकाबला यहाँ पर खेला जाना है। तो स्ट्राइक पर राजू। अच्छा कवर ड्राइव, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। यहाँ पर एक और डॉट बॉल आती हुई। यहाँ पर अच्छी बॉल यहाँ पर डाली जैद ने आते ही अपनी टीम के लिए। अच्छा शॉट, कवर्स के ऊपर से खेला गया शॉट, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। 2 बाउंड्री अभी तक लगा चुके हैं एवेंजर्स के बल्लेबाज राजू। स्कोर 9 रन। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। निकल कर खेलने का प्रयास खतरा हो सकता है, परंतु बाल बाल बचे यहाँ पर। अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद यहाँ पर खतरा हो सकता था। और एक रन बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन टीम का स्कोर, एवेंजर्स टीम का स्कोर। जैद गेंदबाजी पर। और यहाँ पर रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था, परंतु बॉल उनके बल्ले पर आई नहीं और गेंद गई विकेट कीपर के पास। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। टीम का स्कोर 10 रन एवेंजर्स टीम का। एक और अच्छा शॉट यहां पर, और यहां पर हल्की सी मिसफील्ड होती हुई। देखते हैं कि अंपायर का इशारा क्या होता है। एक रन और भाग लिया, दौड़कर पूरे कर लिए। 3 रन यहाँ पर चुरा लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। फील्डर जब बॉल के पीछे भाग रहे थे तो पैर से उनकी बॉल टकराई और जिसका फायदा उठाया दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने। दौड़कर 3 रन पूरे किए। 13 रन 2 ओवर की समाप्ति पर एवेंजर्स टीम का स्कोर 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं स्पार्टन्स के सबसे तेज गेंदबाज लवीस, जो पिछले टूर्नामेंट में काफी शानदार गेंदबाजी की थी लवीस ने और अपनी टीम को फाइनल जिताया था। तो आज देखते हैं कि लवीस किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम स्पार्टन्स के लिए। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं गेंदबाज। और यहाँ पर विकेट कीपर को चकाती हुई गेंद गई सीधा 4 रनों के लिए। लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया था और बैट का संपर्क नहीं हुआ और कीपर से मिस हुई गेंद और सीमा रेखा के बाहर 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, जबकि तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ। एक गेंद डाली जा चुकी अभी तक तीसरे ओवर की और पहली गेंद पर लेग बाई में एक चौका प्राप्त किया। हल्की सी अपील, रन आउट का खतरा हो सकता था। वापस क्रीज पर सुरक्षित पहुंचे राजू। और
अच्छी बॉल लवीज की तेज गाड़ी गई गेंद स्वीप करने के प्रयास से थे बल्लेबाज परंतु बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ तो सदी हुई शुरुआत यहां पर दिखाई है। एवेंजर्स के दोनों ही बल्लेबाजों ने अभी तक एक भी विकेट गंवाया नहीं और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर। एक और स्वीप शॉट खेलने का प्रयास था परंतु लवीश की गेंदबाजी काफी शानदार यहां पर अपनी गेंदबाजी के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए लवीश काफी तेज आक्रामक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से आए हैं आज स्पार्टन्स टीम की ओर से खेलने के लिए तो काफी बाहर गेंद पाया में से वाइड बॉल करार दिया तो एक अतिरिक्त रन आता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ पावर प्ले का अंतिम ओवर यहां पर चलता हुआ अच्छा शॉट खेला यहाँ पर फील्डर मौजूद दौड़ कराते एक रन पूरा किया तो बताना चाहूंगा कि काफी शानदार गेंदबाजी करके पिछले साल अपनी टीम स्पार्टन्स को इन्होंने टूर्नामेंट में विन कराया था तो पिछले साल की विजेता टीम स्पार्टन्स की टीम है तो इस टूर्नामेंट में कुछ उसी प्रकार की गेंदबाजी करते हुए लवीश देखते हैं अपनी टीम को कितनी सफलताएं आज दिला पाते हैं। लवीश अच्छी बॉल लवीश की बिल्कुल समझ नहीं पाए राजू यहाँ पर अच्छा ओवर चलता हुआ यहाँ पर लवीश की गेंदबाजी में इसी के साथ ओवर की समाप्ति तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टीम में काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर बुलाए हैं स्पार्टन्स के ऑनर ने तो यहाँ पर राहुल निर्मरकर लवीश अश्विन सहारे शुभम मलिक नागपुर से बिलोंग करते हैं काफी होनहार युवा बल्लेबाज शुभम मलिक पिछले बार उन्होंने शानदार बॉलर आनंद तो यहां पर आनंद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राहुल निर्मरकर कप्तान इस बार स्पार्टन्स टीम की ओर से दिलीप बिजवा आईएसपीएल में साल ऑक्शन में गए तो इस साल दिलीप बिजवा स्पार्टन्स की ओर से नहीं आ पाए और उसकी जगह आज राहुल निर्मरकर ने जवाबदारी संभाली कप्तानी की तो देखते हैं किस प्रकार की कप्तानी राहुल निर्मरकर करते हैं अपनी टीम स्पार्टन्स के लिए तो एक अच्छा मुकाबला आज चलता हुआ एवेंजर्स की टीम भी काफी अच्छी टीमों में से एक अंबिकापुर की तो एक अच्छा मुकाबला यहां पर होने की उम्मीद देखते हैं दोनों टीमें कौन सी टीम मजबूती से इस मुकाबले को खेलती है और इस मुकाबले को जीतती है। हल्के हाथों से खेला यहां पर रन लेने का प्रयास और दूसरा रन लेना चाहते थे परंतु मना किया यहां पर राजू ने स्ट्राइक पर राजू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी बॉल थी यहां पर उठाकर मारने के प्रयास में थे लेग भाई अंपायर का सारा एक रन दौड़कर पूरा किया स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन जबकि चौथे ओवर का खेल यहां पर चलता हुआ। आनंद को लाया कप्तान ने गेंदबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड से अच्छी बॉल आनंद की काफी तेज गति से डाली थी यहां पर बिल्कुल समझ नहीं पाए बल्लेबाज अरविंद। और बॉल हवा में फील्डर बॉल के नीचे और यहां पर बाल बाल बचे यहां पर दूसरे रन मांगना चाहते थे परंतु मना किया यहां पर स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज राजू ने थोड़ी सी गेंद यहां पर
दूर रह गए थोड़े से स्पार्टन्स के खिलाड़ी बॉल से और एक रन दौड़ कर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों के चौथे ओवर का खेल चलता हुआ 22 रन 3 का स्कोर चौथे ओवर का खेल चलता हुआ कलकर मारना चाहते थे अच्छी बॉल डाली गुड लेंथ एरिया पर बॉल डाली और बिल्कुल फंसाए रखा अभी तक राजू को स्पार्टन्स के गेंदबाजों ने जो अच्छी गेंदबाजी यहां पर इस ओवर में करते हुए शॉट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग के पीछे फील्डर मौजूद आसानी से एक रन पूरा किया चार ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर 23 रन लगभग 6 के एवरेज से बल्लेबाजी करते हुए एवेंजर्स के बल्लेबाज अभी तक विकेट नहीं गवाया है एवेंजर्स के बल्लेबाजों ने चार ओवर शेष यहां से बाकी है कितने रनों का लक्ष्य यहां पर देती है एवेंजर्स की टीम स्पार्टन्स की टीम को देखते हैं कि मुकाबला चलता हुआ आज का पहला मुकाबला मामा माया का सीजन 5 का इस साइड पर राजू तो वापस लवीश को लाया गया लवीश ने पिछले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी टीम स्पार्टन्स के लिए तो वापस राहुल निरंजन कप्तान ने लवीश को लाया है गेंदबाजी करने के लिए हालांकि एक पारी में चौका गया था उसके बाद वापसी दिलाई थी टीम पर और अच्छी गेंदबाजी डाली थी लवीश ने तो देखते हैं इस ओवर में लवीश किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था परंतु नए नियमों के अनुसार अगर बल्लेबाज रिवर्स शॉट खेलता है तो उसे वाइट बॉल नहीं करार दी जाएगी तो अच्छा निर्णय यहां पर अंपायर ब्रजेश राय और राय का और दोनों ही अंपायर काफी सुदृढ़ और पूर्व खिलाड़ी तो सारे नियम उठाकर मारने का प्रयास था उतना अच्छा संपर्क में मिड विकेट पर फील्डर मौजूद एक रन पूरा किया मिसफील्ड हुई दूसरे रन का प्रयास और निश्चित तौर पर यहां पर थोड़ी सी खराब क्षेत्ररक्षण देखने को मिला स्पार्टन्स के खिलाड़ी द्वारा एक रन जहां होने थे वहां पर दो रन दौड़कर पूरे कर लिए एवेंजर्स के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने एक और रिवर्स लगातार रिवर्स शॉट स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में राजू अभी तक असफल हुए हैं अभी तक रिवर्स शॉट और स्वीप शॉट लगाने में माहिर राजू परंतु आज असफल लवीश ने लगातार फंसाया है अपनी गेंदबाजी में काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं लवीश तो कप्तान ने भरोसा कर वापस लवीश को लाया दूसरे ओवर के स्पेल के लिए और उसी प्रकार की गेंदबाजी लवीश करते हुए स्पार्टन्स टीम के लिए एक और अच्छी बॉल यहां पर शानदार गेंदबाजी यहां पर लवीश के द्वारा इंदौर स्पार्टन्स के सबसे शानदार गेंदबाजों में से एक लवीश लगातार उलझाए रखा है राजू को तो यहां पर बोल्ड आउट कर दिया शानदार गेंदबाजी जैसा कि नाम वैसा लवीश ने विकेट निकाल कर दिया राजू के रूप में तो मैं आपको बता रहा था कि काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरे और विकेट निकाल कर दिया राजू का लवीश ने पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर राजू के रूप में बोल्ड आउट कर मिडिल स्टंप उड़ाया राजू का पवेलियन का रास्ता दिखाया राजू को अगले बल्लेबाज जाते हुए आकाश अंबिकापुर के लेफ्टी बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आकाश देखते हैं कि आज एवेंजर्स के लिए किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं स्पार्टन्स टीम की ओर से लवीश वापस गेंदबाजी पर यहाँ तो खेला दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया दूसरे रन का प्रयास बना दिया यहाँ पर
आते ही दल के हाथों से फिर करीकरण चुरा लिया आकाश ने। स्कोर 26 रन 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 26 रन लगभग 5 के एवरेज से यहां पर बल्लेबाजी करते हुए रेंजर्स के बल्लेबाज। हेलो बॉलर जैद काफी बाहर गेंद अंपायर से वाइड बॉल करा दिया। स्कोर 27 रन 3 रेंजर्स का स्कोर छठे ओवर तक चलता हुआ। तो यहाँ पर स्लो ओवर में फंसाया आकाश को बिल्कुल समझ नहीं पाया आकाश। एक और डॉट बॉल टीम का स्कोर 27 रन जबकि छठे ओवर का खेल यहाँ पर चलता हुआ। एवेंजर्स वर्सेस 28 रन टीम का स्कोर एवेंजर्स वर्सेस स्पार्टन्स का मुकाबला चलता हुआ। और यहाँ पर बोल्ड आउट बिल्कुल समझ नहीं पाए बॉल को और हवा में मारने के प्रयास में बॉलर बैट का संपर्क नहीं, सीधा बोल्ड आउट होकर वापस लौटते हुए आकाश। तो टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी और इस टीम के सबसे मजबूत बल्लेबाज अरुण और बाबू नेता के नाम से प्रसिद्ध अंबिकापुर क्रिकेट में बल्लेबाजी करने के लिए अपनी टीम एवेंजर्स के लिए मैदान में जाते हुए हेलो अगली टीम कुमली और कवर्धा जल्दी जल्दी फ्रेश और तैयार होकर अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। जहां भी कुमली के खिलाड़ी अगर सुन रहे तो और कवर्धा के खिलाड़ी जल्दी जल्दी अगले मैच के लिए तैयार हो जाए। इस मैच के तत्पश्चात वह मुकाबला खेला जाएगा। अच्छी बॉल थी उठाकर मारना चाहते थे परंतु तेज गति से डाली गई गेंद थी और डॉट कराया यहां पर। अच्छा शॉट खेला है फील्डर से दूर बॉल परंतु बाउंड्री लेने में असमर्थ। एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। उनतीस रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। स्लोअर गेंद एक और स्लोअर गेंद लगातार मिश्रण करते हुए यहां पर स्पार्टन्स के गेंदबाज। तो अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है यहाँ पर स्पार्टन्स के गेंदबाजों ने। लगातार एवेंजर्स के बल्लेबाजों को लगातार बांधे रखा है। लंबे हिट यहाँ पर लगाने नहीं दिए हैं इस मैच में। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर स्पार्टन्स के द्वारा उठाकर खेला है परंतु उतना अच्छा संपर्क नहीं फील्डर बॉल के पीछे। दूसरे रन चाहते थे परंतु मना किया यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई कीपर से और उसका फायदा भरपूर उठाया। दो रन दौड़कर पूरे कर लिए। पिछले साल की विजेता टीम स्पार्टन्स
इस साल अपना दूसरा मुकाबला खेलती हुई बॉलर विशाल मौर्य है। तो यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ने विशाल मौर्य को लाया है। टीम का स्कोर 31 रन 6 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर टीम एवेंजर्स का स्कोर। अच्छा शॉट खेला है फील्डर से दूर, बॉल देखते हैं रोक पाते हैं नहीं और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। तो एक अच्छा बाउंड्री आता हुआ एवेंजर्स की ओर से। कप्तान थोड़े से नाखुश, फील्ड थोड़ा सा बदलाव करते हुए। यहाँ पर अच्छा शॉट, पॉइंट क्षेत्र पर खेला गया, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो दो गेंदों पर दो बाउंड्री यहाँ पर लगाया है बाबू नेता ने। तो एक अच्छे बल्लेबाज टीम के, बाबू नेता अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर स्पार्टन्स के गेंदबाजों को चाहिए कि बाबू नेता को जल्दी जल्दी आउट किया जाए। तो कप्तान भी यही सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी इनको इनका विकेट लिया जाए क्योंकि खतरा हो सकते हैं। और अच्छा शॉट खेला फिर विकेट की तरफ, फील्डर मौजूद, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया। सातवें ओवर का खेल चलता हुआ, टीम का स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम एवेंजर्स टीम का स्कोर। तो कप्तान ने थोड़ी सी यहाँ पर फील्ड में बदलाव किया है और एक डीप पॉइंट पर फील्डर लगाया है वहां पर। फिर अच्छी गेंद थी, रन लेने का प्रयास था और फिर एक मिसफील्ड देखने को मिली और आज थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है लगातार स्पार्टन्स के फील्डरों के द्वारा। तो गेंदबाजी अच्छी होती हुई परंतु उसका सपोर्ट देना होगा स्पार्टन्स के फील्डरों को क्योंकि गेंदबाज अगर डॉट बॉल कराएगा उसमें अगर फील्डर में रन जाएगा तो दबाव में गेंदबाज वापस आता है। तो अच्छी गेंदबाजी यहां पर होती परंतु कवर्स के ऊपर से खेला है फील्डर, बॉल के पीछे भागते हुए देखते हैं और यहां पर एक और खराब क्षेत्र रक्षण, बिल्कुल बॉल के करीब पहुंचकर छोड़ दिया गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट यहाँ पर फील्डर पर तो बॉल के नीचे। तो यहाँ पर अच्छा विकेट आता हुआ बाबू नेता के रूप में। तो जिस प्रकार जिस विकेट का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे स्पार्टन्स के खिलाड़ी उनका विकेट यहाँ पर आता हुआ बाबू नेता का विकेट गंवाया टीम एवेंजर्स ने। तो एक वापसी दिखाई है यहाँ पर एवेंजर्स, माफ करिएगा स्पार्टन्स के गेंदबाजों ने। तो विकेट गिरता हुआ तीसरा विकेट।
स्कोर 45 रन। अंतिम ओवर चलता हुआ यहां पर 45 रन टीम का स्कोर। बॉलर से बताएंगे अनिल वर्कर, आनंद 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 को लाया है लास्ट ओवर डालने के लिए कप्तान राहुल निलमरकर ने। तो देखते हैं कि आनंद अंतिम ओवरों में कितने रन रोकते हैं अपनी टीम के लिए, और एवेंजर्स चाहेंगे कि यहाँ पर रन बटोरे जाए। तो एक अच्छा मुकाबला अंतिम ओवरों में चलता हुआ खेल दिया। इसे लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर मौजूद, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ, एक और स्पीड हुई थी परंतु बल्ला छोड़कर वापस क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज। पांच गेंद डाली जानी शेष, 46 रन टीम का स्कोर। और यहाँ पर खराब शॉट, सीधा गई पॉइंट पर खड़े फील्डर के हाथों में, तो एक और विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अंतिम ओवरों में करते हुए बैट्समैन ने बताया यहाँ पर अंपायर बैट्समैन ने पूछेगा रोहित। तो अगले बल्लेबाज रोहित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए एवेंजर्स की ओर से। हवा में गेंद, फील्डर बॉल के नीचे और आसान सा कैच यहां पर पकड़ लिया है। तो एक और विकेट का यहां पर पतन होता हुआ। आती ही पहली गेंद पर ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे परंतु लंबाई उतनी दे नहीं पाए एवेंजर्स के बल्लेबाज, और एक और विकेट का पतन होता हुआ। अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ, अगले बल्लेबाज पीतांबर मैदान पर जाते हुए। अच्छी गेंदबाजी अंतिम ओवर में यहां पर स्पार्टन्स के द्वारा, तो निश्चित तौर पर वापसी दिलाई है। आनंद ने अपनी टीम स्पार्टन्स के लिए तो निश्चित तौर पर एक शानदार गेंदबाजी यहां पर चलती हुई अंतिम ओवर के खेल में आनंद के द्वारा। एक और अच्छी बॉल यहां पर, एक और डॉट बॉल यहां पर आती हुई यहां पर आनंद के द्वारा। तो दो विकेट इस ओवर में निकाल कर दिया और लगातार डॉट गेंदबाजी कराते हुए, तो एक निश्चित तौर पर अच्छी वापसी यहां पर स्पार्टन्स टीम की होती हुई। एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, दूसरे रन लेना चाहते हैं दौड़कर दूसरा रन के प्रयास में, और दो रन पूरे कर लिए। अड़तालीस रन टीम का स्कोर। अच्छा शॉट खेला है कवर्स की तरफ, फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया, दूसरे रन का प्रयास यहां पर खतरा हो सकता है। और 50 रन इसी के साथ पूरे होते हुए 8 ओवरों में टीम का स्कोर 51 रन जीत के लिए चाहिए यहां पर स्पार्टन्स की टीम को। तो देखते हैं कि 51 रन स्पार्टन्स किस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर स्पार्टन्स के बल्लेबाज करते हैं। 51 रनों का
गांधीनगर की टीम ने यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए 50 रन बनाए थे निर्धारित 8 ओवर में। 51 रन का लक्ष्य मिला है यहाँ पर इंदौर स्पार्टन की टीम को मैच जीतने के लिए। लॉन्गलेट बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। आउटफील्ड काफी तेज है और जैसे ही देखा कि थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप की ओर आ रही थी, पोजीशन किया अपने आप को और लॉन्गलेट बाउंड्री के बाहर गेंद 4 रन के लिए। दूसरा चौका इस ओवर में प्राप्त होता हुआ। दीपक काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर इंदौर स्पार्टन टीम के शुभम मलिक की। दो रन यहां पर प्राप्त होते हुए अच्छी फील्डिंग। बाउंड्री के लगभग 2 गज अंदर गेंद को फील्ड किया गया। ओवर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर का खेल पूरा हुआ है। 10 रन बगैर किसी नुकसान के और जो 10 रन बने हैं वो शुभम मलिक के बल्ले से बने हैं। मात्र 51 रन बनाने हैं यहाँ पर इंदौर स्पार्टन की टीम को मैच जीतने के लिए। और जैसा हम आपको शुरू से बता रहे हैं, गांधीनगर टीम के गेंदबाजों को यहाँ पर कुछ विकेट हासिल करने होंगे और कुछ रन बनाने। सलीम बाला सलीम आ रहे हैं नया ओवर लेकर केदारपुर स्कूल एंड से। बाएं हाथ के बैट्समैन खेलने के साथ ही दौड़ पड़े हैं। बैट्समैन एक रन पूरा करते हुए दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। दोनों बैट्समैनों के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिल रहा है और एक अच्छी प्रारंभिक शुरुआत दोनों बैट्समैनों ने अब तक दी है अपनी टीम के लिए। मिड ऑफ पर अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं बना। एक राइट हैंड बैट्समैन और एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन काफी खतरनाक होता है और गेंदबाजों को भी थोड़ी दिक्कत आती है अपनी गेंदों। को सही दिशा में रखने का एक छोटा चांस बन सकता था, लेकिन फील्डरों की पहुंच से दूर गेंद। कोई नुकसान नहीं, अभी भी दोनों प्रारंभिक बैट्समैन सुरक्षित हैं क्रीज पर। दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ इस समय इंदौर स्पार्टन टीम की पारी में। जो फील्ड लगाई गई है मिड ऑफ, एक शॉर्ट कवर, एक पॉइंट, और एक स्लिप रखी गई है विकेट कीपर के साथ। शानदार फील्डिंग पॉइंट पर। गेंद और बल्ले का संघर्ष जारी है इस समय अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम मैदान पर। अच्छा मुकाबला चलता हुआ। सुबह का वक्त, थोड़ा सा नमी थी विकेट पर और उसका लाभ थोड़ा सा यहाँ पर जरूर गेंदबाजों को मिला।
12 रन बगैर किसी नुकसान के दोनों प्रारंभिक बैट्समैन क्रीज पर हैं। और यहां पर शानदार सिक्स लगता हुआ पहला छक्का यहां पर इंदौर स्पार्टन की ओर से लगता हुआ और स्कोर तेजी के साथ उछलता हुआ 18 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। एक अच्छा प्रयास यहां पर लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए यहां पर बैट्समैनों को। दो ओवर का खेल पूरा हुआ है 19 रन बगैर किसी नुकसान के दोनों प्रारंभिक बैट्समैन अभी भी सुरक्षित है क्रीज पर और मात्र 51 रन उनकी टीम को बनाने हैं तो 32 रन और चाहिए हैं यहां से मैच जीतने के लिए इंदौर स्पार्टन की टीम को। बॉलर नेम बताएंगे अखिलेश। और एक शानदार चौका यहां पर विशाल के बल्ले से निकलता हुआ थोड़ी सी नीची रही बॉल इस बार ठीक ढंग से बल्ले पर आई नहीं। 22 रन बगैर किसी नुकसान के तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ माफ कीजिएगा 23 रन यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का एक और अतिरिक्त रन प्राप्त होता हुआ इंदौर स्पार्टन की टीम को। लंबाई हिट लगाने की कोशिश है यहां पर लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी पैर में लगती हुई लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ इंदौर स्पार्टन टीम की पारी में 24 रन बगैर किसी नुकसान अरविंद अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए हल्के से कट किया स्लिप की ओर खतरा हो सकता था लेकिन एक रन लेने का प्रयास ओवर समाप्त होता हुआ तीन ओवर का खेल पूरा हुआ है।
नॉट आउट। सलीम बालर सलीम चौथे ओवर का खेल प्रारंभ होने जा रहा है। सलीम आ रहे हैं नया ओवर लेकर, और इसके पहले कि नए ओवर की शुरुआत हो मैं अपने साथी सुधाकर सिंह को आमंत्रित करता हूं आगे का विवरण देने के लिए। तीन ओवर का खेल पूरा हुआ है, 26 रन। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ और आगे के विवरण के लिए मैं आशु को आमंत्रित कर रहा हूं। तो यहां पर शॉट खेला, फील्डर बॉल के नीचे और एक शुभम मलिक का विकेट यहां पर गिरता हुआ, उठाकर मारना चाहते थे परंतु उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ बॉल का और सीधा फील्डर के हाथों पर, तो पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर टीम स्पार्टन्स का राहुल निर्मलकर के रूप में, शुभम मलिक के रूप में, माफ करिएगा शुभम मलिक के रूप में। तो 28 गेंदों पर 24 रनों की और आवश्यकता जीत के लिए चाहिए यहां पर टीम स्पार्टन्स को। तो यहां पर अश्विन को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा कप्तान राहुल ने, तो देखते हैं कि इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं टीम स्पार्टन्स के लिए अश्विन। अच्छा शॉट खेल दिया ऐसे कवर्स की तरफ, थोड़ी सी छोटी डाली थी गेंद को और कवर्स की ओर खेला, एक रन दौड़कर आसानी से पूरा कर लिया। स्ट्राइक पर अब विशाल मौर्य, लंबे चौड़े हिट लगाने में माहिर, एक शानदार छक्का लगाया था मिड विकेट के ऊपर से विशाल मौर्य ने, तो अभी भी बल्लेबाजी करते हुए विशाल मौर्य। उठाकर खेलने का प्रयास करते हैं, उतना अच्छा संपर्क नहीं मिला उनको, निश्चित तौर पर अगर बॉल अगर बल्ले पर अगर लग जाती तो काफी दूर बॉल जा सकती थी, तो एक रन से नहीं रोक पाएंगे यहां पर एवेंजर्स के गेंदबाज। तो एवेंजर्स गेंदबाजों को यहां चाहिए कि विकेट ले और स्पार्टन्स के खिलाड़ी यहां पर अगर धीरे धीरे एक आध दो बॉल लेते हैं तो आसानी से मैच की ओर। और यहां पर बोल्ड आउट कर दिया अश्विन को, काफी अच्छी गेंद डाली, बॉल अंदर की तरफ आई और उठाकर मारने के प्रयास में थे बल्लेबाज अश्विन, परंतु बोल्ड आउट कर दिया यहां पर अश्विन को।
बैट्समैन नेम बताएंगे। रोहित। तो अश्विन के आउट होने के बाद बैटिंग करने के लिए आए हैं टीम स्पार्टन्स की ओर से रोहित। अच्छी बॉल डाली थी, बिल्कुल समझ नहीं पाया था रोहित और अश्विन और बोल्ड आउट होकर वापस गए। तो रोहित अगले बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम स्पार्टन्स की ओर से आए हैं। तो देखते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी स्पार्टन्स की ओर से करते हैं रोहित। अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, परंतु फील्डर बॉल के नीचे एक और विकेट का पतन। तो इस प्रकार की बल्लेबाजी यहां पर टीम स्पार्टन्स के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी नहीं करने की आवश्यकता थी। बॉल टू बॉल यहां रन चाहिए और बल्लेबाज स्पार्टन्स के लगातार हवा में मारने के प्रयास में अपना विकेट गंवाते हुए। तो यहां पर बल्लेबाजों को निश्चित तौर पर धैर्य पूर्वक बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है और यहां पर वापसी कुछ दिखाती हुई यहां पर एवेंजर्स के गेंदबाज एवेंजर्स की टीम यहां पर निश्चित तौर पर लगातार दो विकेट लेकर यहां पर वापसी दिलाई। और मेरे साथ यहां पर साथी कमेंटेटर सुधाकर सिंह अब आपको इस मैच के आंखों देखा सुनाएंगे। बहुत ही शानदार गेंदबाजी सलीम की, निश्चित ही काबिले तारीफ गेंदबाजी की है सलीम ने। जितनी उनकी गेंदबाजी की प्रशंसा की जाए इस ओवर की उतनी कम है। चौबीस गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता है और काफी समझ नहीं आ रहा है किस तरीके की बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं इंदौर स्पार्टन्स के खिलाड़ी। निश्चित ही यहां पर अब चाहेंगे एवेंजर्स के खिलाड़ी के एक आध और विकेट लेकर पूरी टीम को अंडर प्रेशर कर लिया जाए। अब यहां से 24 गेंदों पर मात्र 22 रनों की आवश्यकता है जबकि तीन महत्वपूर्ण विकेट गवा चुकी है इंदौर स्पार्टन की टीम और अपने पवेलियन में विश्राम फरमा रही है। और सलीम शानदार गेंदबाजी की पिछले ओवर में सलीम ने तीन महत्वपूर्ण सफलताएं अपने स्पेल के अंतिम ओवर में दिलाई। और अगले बल्लेबाज आए हैं मकबूल जो कि बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि यहां पे जैसा मैच है मुझे लगता नहीं आशु क्या सोच रहे हैं आशु आपकी किस तरीके की बल्लेबाजी करने की जरूरत है और किस तरीके की बल्लेबाजी कर रही है इंदौर स्पार्टन जबकि अब यहां से तलाश रहेगी एक आध दो विकेट जल्दी से जल्दी गिराने की एवेंजर्स की। क्या रणनीति रहनी चाहिए इंदौर स्पार्टन की? बिल्कुल यहाँ पर सुधाकर टीम स्पार्टन्स के बल्लेबाजों को चाहिए कि यहाँ पर धैर्य पूर्वक बल्लेबाजी की जाए और सिंगल्स डबल्स जितने ज्यादा से ज्यादा ले वो उनको बनाना चाहिए और लंबे चौड़े हिट से बचना चाहिए। खराब गेंदों पर उनको आक्रमण करना चाहिए और सिंगल्स डबल्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुधाकर बिल्कुल सही कहा, घुमाकर मारा है स्क्वायर लेग में आकाश मौजूद दूसरा लेना चाहते थे बल्लेबाज मकबूल मना किया वहां पर बल्लेबाज ने। दीपक अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए पांचवा ओवर लेकर आए हैं आकाशवाणी एंड से। पहली बार सामना करेंगे मकबूल दीपक की गेंदों का जबकि बचे 23 गेंदों पर 21 रनों की आवश्यकता है। हमारे बड़े भाई राजेश अग्रवाल लिलिबिया का आगमन हो चुका है, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर निकलते हुए वाइड बॉल का इशारा, तो एक अतिरिक्त रन आता हुआ। ऐसे अतिरिक्त रन एवेंजर्स 11 को भारी पड़ सकते हैं क्योंकि ऐसे ही अतिरिक्त रनों से और मिस फील्डिंग से उनका स्कोर 50 रन 51 पहुंचा था। ढीले हाथों से खेल पड़े हैं और खेलते के साथ भाग पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। भागकर पूरे कर लिए तो एक सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं मकबूल। जरूरत ऐसी बल्लेबाजी करने की और यहां पर जरूरत रही है एवेंजर्स को कि सिंगल्स को रोका जाए और एक प्रेशर बनाया जाए जिससे बड़े शॉट खेलने के लिए जाएं आशु ताकि विकेट के चांसेस बने।
बिल्कुल सुधाकर यहाँ पर निश्चित तौर पर स्पार्टन्स के बल्लेबाजों को चाहिए कि अपने टोटल के जो रन चेस करना उसके करीब पहुंचा जाए उस टोटल के और बड़े लंबे चौड़े हिट लगाने से बचना होगा अगर यहाँ पर वापसी करनी है तो निश्चित तौर पर अभी भी बॉल से कम रन चाहिए और विकेट भी अभी बचे हुए तो अगर यहाँ पर भी अगर विकेट गंवाती है स्पार्टन्स के बल्लेबाज तो निश्चित तौर पर दबाव बढ़ता जाएगा क्योंकि अगर उसके हिसाब से बॉल भी कम होते जाएगी और दबाव देखा गया है कि पिछले मैचों में कि अगर छह गेंदों पर छह रन चाहिए तो टीमों ने मैच को गंवाया है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर खराब गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा और सिंगल डबल पर यहाँ पर टीम को लेना पड़ेगा। एवेंजर्स के खिलाड़ी यहाँ पर अभी थोड़ी सी वापसी दिलाई है उनके गेंदबाजों ने तो यहाँ पर अच्छा मुकाबला यहाँ पर दोनों टीमों के द्वारा देखा जा रहा है और मुकाबला यहाँ पर चलता है। मकबूल को भेजा है स्पार्टन्स टीम ने और मकबूल कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी टीम के लिए करते हुए 22 गेंदों पर 19 रनों की जीत की आवश्यकता जीत के लिए चाहिए यहाँ पर टीम स्पार्टन्स को। तो देखते हैं कि मुकाबला किस प्रकार आगे बढ़ता है। उठाकर खेला है और यहाँ पर देखते हैं कि अंपायर का निर्णय क्या आता है। कैच तो पकड़ लिया है लेकिन देखते हैं कि अंपायर का डिसीजन क्या आता है। तो यहाँ पर छह रन का इशारा यहाँ पर किया है थर्ड अंपायर ने। निश्चित तौर पर उनका पैर बाउंड्री लाइन के बाहर टच कर गया और छह रन यहाँ पर दिए हैं थर्ड अंपायर ने। पर 21 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता जीत के लिए चाहिए। अच्छा प्रयास किया था वहां पर आकाश ने और परंतु पैर उनका लाइन को टच कर गया और 6 रन प्राप्त किए मौर्य ने और यहां पर अच्छा शॉट यहां पर आता हुआ मौर्य के बल्ले से शानदार यहां पर शॉट खेला। कुछ स्विच हिट किया यहां पर स्वीप का प्रयास था और स्विच हिट पीछे से फाइल लेग के ऊपर से लगाया गया शानदार चौका यहां पर आता हुआ मौर्य के बल्ले से। तो यहां पर अपना दबदबा पूरा पकड़ यहां पर टीम स्पार्टन्स ने बना ली है। थोड़ी सी स्थिति बनी थी कि यहां पर विकेट लगातार गिरे थे स्पार्टन्स के तो उसके बाद यहां पर विशाल मौर्य ने अपनी टीम स्पार्टन्स को वापसी दिलाते हुए मजबूत पकड़ यहां पर बना ली। एक और अच्छा शॉट फील्डर मौजूद एक रनों से नहीं रोक पाएंगे। आठ रनों की आवश्यकता जीत के लिए चाहिए अब यहां पर।
19 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता, जीत के लिए चाहिए टीम स्पार्टन्स को। तो एक आसान मैच यहां पर बना दिया है। विशाल मौर्य ने एक अच्छा छक्का लगाया, उसके बाद एक बाउंड्री लगाकर अपनी पकड़ यहां पर मजबूत बना ली। स्ट्राइक पर मकबूल, बॉलर से बताएंगे यहाँ पर। जबकि यहाँ पर अली जैसे शानदार गेंदबाज है और एवेंजर्स के कप्तान जिन्होंने पिछले मैच में अली ने शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन अभी तक अली को गेंदबाजी पर नहीं उतारा है, तो कप्तानी मुझे ऐसी थोड़ी उनकी समझ से परे आ रही है। जबकि एक समय मैच में पकड़ता, हालांकि एक शानदार कैच बनाया था, वो छक्का हो गया क्योंकि मैच में गिरत बनाई थी उन्होंने अच्छी एवेंजर्स ने। रोहित यहाँ पर, रोहित तो अगली गेंदबाज रोहित, तो यहाँ पर कप्तान को निश्चित तौर पर अली से गेंदबाजी करानी। पिछले मैचों में मैन ऑफ द मैच थे और अपनी टीम को एक शानदार विकेट लेकर जीत दिलाने में उनका अहम रोल था, तो आज कप्तान ने शायद उन पर भरोसा नहीं जताया और हल्के हाथों से खेला इसे। फील्डर मौजूद, एक रन दौड़कर पूरा किया, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने गेंदबाजों पर भरोसा कप्तान को दिखाना चाहिए था इस मैच में, और निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास वहां पर कैच के लिए हुआ था। बाउंड्री पैर उनका बाउंड्री लाइन से टच कर गया और 6 रन प्राप्त किए। उसके बाद एक स्वीप में एक बाउंड्री प्राप्त किया था, तो वापसी यहां पर इंदौर स्पार्टन्स की कराई मौर्य ने। शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेला, काफी लंबा छक्का यहां पर, तो यहां पर औपचारिकता शेष, जीत यहां पर, मैच टाई होता हुआ यहाँ पर। शानदार छक्का यहाँ पर मकबूल के बल्ले से, तो आते ही मकबूल ने अपना छक्के से शुरुआत कर दी इस टूर्नामेंट में सीजन 5 के। तो अब यहाँ पर औपचारिकता शेष, जीत के लिए चाहिए 1 रन टीम स्पार्टन्स को। तो यहाँ पर एक विकेट गिरता हुआ, विकेट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इस मैच में, तो 1 रन चाहिए जीत के लिए। अब देखते हैं कप्तान स्वयं आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए या नहीं। जीत 1 रन दूर यहाँ पर, बिल्कुल खराब गेंदबाजी, शुरुआत अच्छी की थी हालांकि एवेंजर्स के गेंदबाजों ने, परंतु अंजाम उतना अच्छा नहीं दे पाए बाकी गेंदबाजों ने। बैट्समैन नेम आनंद को भेजा है, जीत के लिए 1 रन चाहिए। देखते हैं विनिंग रन आनंद के बल्ले से आते हैं या नहीं, तो 1 रन चाहिए औपचारिकता है बस बाकी इस मैच में। लगभग इस टूर्नामेंट को कि इस मैच को तो इसी के साथ टीम स्पार्टन्स ने यह मुकाबला जीत लिया है। 4 रन चौका लगाकर इस मैच को स्पार्टन ने जीत लिया है। आज इसके बाद का जो मुकाबला होगा मैं कुछ ही क्षणों पश्चात बताऊंगा कि किस टीम का मुकाबला होना है। तत्पश्चात धन्यवाद।